वही मैं उन पवार फिर से आ चुके हैं हम लग्जरी कार वाले एक सेक्शन में, जहाँ पे आज हमारे पास है ऑडी की A6। अभी रियल वाले ओनर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी ऑडी आती हैं जो फेक ओनर बन के आ जाते हैं भाई। भाई टाइटल और थंबनेल देख के आए हो तो भाई तुम्हें भी थोड़ा बहुत तो कीड़ा है जानने का कि क्या उन दोनों के बीच चल रहा है। किनके बीच? तो भाई रजनीश चौधरी और अरुण पवार भाई के बीच में क्या ऐसा एक इशू स्टार्ट हो गया कि वो बार बार वीडियो में ऐसा हिंट और टोंट सा मारते रहते हैं, कॉल आउट करते रहते हैं, और रजनीश चौधरी भी उनकी वीडियो में आना बंद हो गई है। और रजनीश चौधरी भी कई बार कॉल आउट करती है अपनी, मतलब दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं अपनी अपनी वीडियो में। भी जो रिसेंट की वीडियो देखोगे और क्या वो टोंट और कॉल आउट करते हो आने वाली इस वीडियो में, अभी दिखाऊंगा मैं उनकी क्लिप काट काट। हो सकता है कि उन दोनों में से कोई ना कोई मेरी वीडियो को डाउन कर दे, उससे पहले वीडियो देख लेना और लाइक कर देना। हो सके तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट बनाना स्टार्ट करे, कार्स के ऊपर वीडियो डालता है तुम्हारा भाई भी। बात करते हैं अपने मेन चैनल के, सॉरी भाई चैनल ही मेन वीडियो की, तो भाई रजनीश चौधरी जी ने अभी रिसेंट में एक अपना रिव्यू कराया था उन्होंने। जैसे अरुण पवार भाई का जानते हो तुम कि रिव्यू करते हैं, ओनर्स रिव्यू करते हैं, मेन है उनका ओनर्स रिव्यू, उसी वजह से उनका चैनल भी उठा है। तो रजनीश चौधरी लेके आई थी ऑडी Q7 रिव्यू कराने के लिए। उससे पहले वो थार भी लेके आई थी और शायद फॉर्च्यूनर भी लेके आई थी, मैं श्योर नहीं हूँ फॉर्च्यूनर का, लेकिन थार के लिए मैं श्योर हूँ। भाई इशू अराइज कहाँ से होता है भाई? जीतू पवार नाम का लड़का है, अरुण पवार के साथ साथ का लड़का है भाई, उसने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी रजनीश चौधरी एक्सपोज करके। मैंने उसी टाइम वो वीडियो देख ली थी, वो वीडियो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो हटा दी गई है। अब किसी ने हटाई, क्या रीजन हो भाई मैं नहीं जानता। बात क्या थी कि भाई रजनीश चौधरी लेके आई थी ऑडी Q7 अरुण पवार से रिव्यू कराने। अगर आपको नहीं जानते तो रजनीश चौधरी जी लेके आती हैं ऑडी Q7 रिव्यू कराने के लिए और उसकी खामियां बताने के लिए जनता को, जनता जनार्दन देखो ऐसे ऐसे दिक्कत है, ऑडी Q7 ली थी इतने की ली थी, फलाना रिव्यू कराना, मेरे पास दो ऑडी Q7। पहली चीज तो ये कि भाई ऑडी Q7 एक बार बंदे के पास वो दूसरी क्यों लेगा, इतना अति प्यार है तो चलो भी मान लिया। उनके पास एक फॉर्च्यूनर भी थी, दूसरी फॉर्च्यूनर उन्होंने ली, लेजेंडर ले ली मान लो। तो जीतू पवार भाई ने ये चीज कॉल आउट करी कि भाई ऑडी Q7 दो दो कैसे हो सकती है एक बंदे के पास, जबकि वो बोल रही है कि भाई मैं इस ऑडी Q7 से खुश नहीं थी, स्टिल मैंने ले ली। पहली चीज तो ये, चलो भाई मान ली कि उनकी थी। तो जीतू पवार बोलते हैं कि भाई उसे ये नहीं पता कि ऊपर नीचे कैसी होगी, उसे उसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता, उसकी फीचर्स नहीं पता, उसके ये नहीं पता बटन कहाँ से क्या काम करता है। तो भाई ओनर होगा बंदा तो उसे इतना तो पता होगा, अगर ऑडी Q7 इतने टाइम से चला रहा है उसे मोटा मोटा फंक्शन तो पता होंगे। उसके गाड़ी ऊपर नीचे करना कोई छोटा फंक्शन तो है नहीं जो इंसान को पता ना, इंसान को पता तो सनरूफ कहाँ से खुलेगी जो कितना छोटा फंक्शन है। तो भाई इसी बात को जीतू पवार ने अपनी वीडियो पे कॉल आउट किया था, जिसका मैं आपको क्लिप नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि वो वीडियो हट। अब बात करते हैं हमारी अरुण पवार भाई। अरुण पवार भाई ने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी ओडी की, 45 लाख ऐसे कुछ टाइटल था। आ चुके हैं हम लग्जरी कार वाले एक सेक्शन में, जहाँ पे आज हमारे पास है ऑडी की A6। अभी रियल वाले ओनर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी ऑडी आती हैं जो फेक ओनर बन के आ जाते हैं भाई, फेक ओनर बन के आ जाते हैं ऑडी ले लेके, उसके बाद उन्होंने वीडियो स्टार्ट कर दी। और जीतू पवार की भी वीडियो इसी चीज को सीधा सीधा कॉल आउट कर रहे थे रजनीश चौधरी जी। रजनीश चौधरी जी भाई ऑडी क्यों लेके आए, क्या रीजन था, प्रमोशन था? ऑल दो चैनल तो उनका भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया में भी डालोगे चैनल उनका भी अच्छा चल रहा है, सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे से आ रहा है, रेवेन्यू को ऐसे नीड नहीं भाई, मोटी पार्टी हो। वो एक उनका कंसर्न था कि भाई नकली रिव्यूअर या फिर नकली ओनर बन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर इससे रिव्यू पे इफेक्ट आता है और ऑडियंस को सिग्नल भी गलत जाता है कि भाई अपने बंदों को ये टॉपिक या इशू हो सकते हैं। जानने का कीड़ा था, मैंने बता दिया ऑडी Q7 की फेक ओनर बन के आई थी रजनी जी, पता नहीं फेक थी रियल थी, तो उसी चीज के ऊपर ये इशू चल रहा है। जिसकी जीतू पवार ने वीडियो निकाली थी वो हट गई, हो सकता है मेरी भी हट जाए, तो पहले ही वीडियो पर लाइक कर दे और देख लेना अगर आपको वीडियो देखने और उन पवार भाई की। तो थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी भी चालू करा भाई। कौन सही कौन गलत वो करो भाई डिसाइड तुम, मेरे लिए तो दोनों सही है, मैं दोनों को फॉलो करता हूँ, मेरे लिए दोनों सही है, तुम डिसाइड करो और कमेंट में बताओ भाई किसकी क्या गलती थी, कौन सही है कौन गलत है।